तो आज के इस वीडियो के अंदर हम मार्वल सुपर हीरोज के मोस्ट पावरफुल वर्जन्स की बात करने वाले हैं। मार्वल के सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर अब तक आपने कई सुपर हीरोज की पावरफुल फॉर्म्स को देखा होगा, जैसे कैप्टन अमेरिका का वर्दी फॉर्म, आयरन मैन का मार्क 85 आर्मर फॉर्म या फिर थॉर का इन्फिनिटी वॉर फॉर्म। लेकिन सही मायनों में मूवीज में दिखाई गई ये फॉर्म्स कॉमिक्स में दिखाए गए मोस्ट पावरफुल फॉर्म्स के आगे कुछ भी नहीं है, क्योंकि मार्वल कॉमिक्स में हमें इन सुपर हीरोज की ऐसी ऐसी फॉर्म्स दिखाई गई है जो कि एक झटके में ही पूरे यूनिवर्स को तबाह करने की ताकत रखते हैं। तो आइए आज इस बारे में डिटेल से बात करते हैं और जानते हैं मार्वल सुपर हीरोज के सबसे पावरफुल वर्जन्स के बारे में। लेकिन एक चीज मैं यहीं पर क्लियर कर दूं कि इस वीडियो के अंदर बताई गई लिस्ट को हमने रैंडमली अरेंज किया है, और ऐसा इसीलिए क्योंकि ये सारे सुपर हीरोज इतने ज्यादा पावरफुल हैं कि ये बता पाना ही बहुत मुश्किल है कि कौन सा सुपर हीरो नंबर 10 पर रहेगा और कौन सा नंबर 1 पर। लेकिन अगर आप अपनी मर्जी से इन सभी को रैंक करना चाहते हैं तो वो आप बखूबी कर सकते हैं और अपनी बनाई हुई लिस्ट को हमारे साथ कमेंट्स में भी शेयर कर सकते हैं। हमें आपकी लिस्ट देखकर काफी खुशी होगी। तो चैनल पर कहीं से भी नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और हमारे इस चैनल की सारी लेटेस्ट वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब बटन के बगल के बेल आइकन को भी ऑल पर सेट कर लेना। तो आइए अब बिना किसी देरी के आज के इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 10, कॉस्मिक घोस्ट राइडर। तो कॉस्मिक घोस्ट राइडर मार्वल कॉमिक्स में दिखने वाला घोस्ट राइडर का सबसे पावरफुल वर्जन है। कॉस्मिक घोस्ट राइडर अर्थ TRN 666 से बिलोंग करता है, और इस यूनिवर्स के अंदर घोस्ट राइडर जॉनी ब्लेज नहीं बल्कि फ्रैंक कासल होता है, वही फ्रैंक कासल जिसे हम सभी पनिशर के नाम से जानते हैं। इस यूनिवर्स के अंदर जब फ्रैंक कासल की मौत हो जाती है तब मरने के बाद वो हेल में चला जाता है, जहां पर आकर वो स्पिरिट ऑफ वेंजेंस के साथ मर्ज हो जाता है और बनता है घोस्ट राइडर। लेकिन फिर इसके आगे घोस्ट राइडर गैलेक्टस से मिलता है, जहां पर गैलेक्टस उसे अपना हेराल्ड बना लेता है और फिर वो उसे कॉस्मिक पावर्स प्रोवाइड करता है, जिसके बाद जैसे ही घोस्ट राइडर को कॉस्मिक पावर्स मिलती है तब वो बनता है कॉस्मिक घोस्ट राइडर। घोस्ट राइडर का ये वर्जन इतना पावरफुल है कि ये हल्क और थॉर जैसे पावरफुल सुपर हीरोज के साथ साथ थैनोस जैसे मोस्ट पावरफुल बीइंग को भी हरा चुका है। और आप सब तो जानते ही हैं कि थैनोस कॉमिक्स के अंदर कितना ज्यादा पावरफुल है, और सिर्फ यही नहीं बल्कि जब थैनोस का पावरफुल फॉर्म किंग थैनोस इस घोस्ट राइडर से लड़ने आया था तब वो अपनी पूरी पावर्स को यूज करके भी इसे हरा नहीं पाया था। कॉस्मिक घोस्ट राइडर की ट्रू पावर्स इतनी ज्यादा है कि इन सभी कैरेक्टर्स को हराने के साथ साथ वो सेलेस्टियल्स तक को हरा चुका है। नंबर 9, सोल्जर सुप्रीम। तो सोल्जर सुप्रीम कैप्टन अमेरिका की मोस्ट पावरफुल फॉर्म है, जो कि तब सामने आती है जब कैप्टन अमेरिका और डॉक्टर स्ट्रेंज दोनों एक साथ मर्ज हो जाते हैं। मार्वल कॉमिक्स की एक स्टोरी लाइन के अंदर थैनोस की बेटी गमोरा के पास सभी इन्फिनिटी स्टोन्स की पावर्स आ जाती है, जिसके बाद वो सोल स्टोन का यूज करके पूरे यूनिवर्स में से आधे लोगों की सोल को सोल वर्ल्ड में ट्रैप कर देती है, और फिर यूनिवर्स के अंदर जो आधे लोग बच जाते हैं उन सभी को वो मरे हुए लोगों की बॉडी के साथ मर्ज कर देती है, जिसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज और कैप्टन अमेरिका दोनों एक बन जाते हैं और फिर वो कहलाते हैं सोल्जर सुप्रीम। सोल्जर सुप्रीम की पावर्स की बात की जाए तो इसके पास कैप्टन अमेरिका और डॉक्टर स्ट्रेंज दोनों की पावर्स हैं, यानी कि कैप्टन की सुपर सोल्जर पावर्स और डॉक्टर स्ट्रेंज की मैजिकल पावर्स। नंबर 8, हाउस ऑफ एम स्कारलेट विच। तो स्कारलेट विच वैसे ही कितनी पावरफुल है ये तो हम सबने एमसीयू की मूवीज में देख ही रखा है, पर मार्वल कॉमिक्स के हाउस ऑफ एम इवेंट्स के दौरान हमें स्कारलेट विच की एक ऐसी पावरफुल फॉर्म को दिखाया जाता है जो कि सिर्फ 3 वर्ड्स बोलकर ही पूरे वर्ल्ड की रियलिटी को ही चेंज कर देती है और यूनिवर्स के लगभग सारे म्यूटेंट्स को पावरलेस बना देती है, यानी कि उन सभी म्यूटेंट्स की म्यूटेंट पावर्स चली जाती है। हाउस ऑफ एम स्कारलेट विच की इतनी पावरफुल फॉर्म है कि इसे हराना तो बहुत दूर की बात है, कॉमिक्स में तो इसे कोई रोक तक नहीं पाया था, और इसी वजह से स्कारलेट विच की इस फॉर्म को इसकी अब तक की सबसे पावरफुल फॉर्म मानी गई है। नंबर 7, कॉस्मिक इमोर्टल हल्क। तो अक्सर बहुत से लोग ये मानते हैं कि वर्ल्ड ब्रेकर हल्क हल्क की मोस्ट पावरफुल फॉर्म है, लेकिन सच तो ये है कि हल्क की सबसे पावरफुल फॉर्म वर्ल्ड ब्रेकर हल्क फॉर्म नहीं बल्कि कॉस्मिक इमोर्टल हल्क फॉर्म है। ये कॉस्मिक इमोर्टल हल्क नजर आया था इमोर्टल हल्क कॉमिक सीरीज के एक स्पेशल इशू के अंदर, जहां पर जब वन बिलो ऑल हल्क के साथ मर्ज हो जाता है तब हल्क बनता है कॉस्मिक इमोर्टल हल्क। हल्क का ये फॉर्म इतना पावरफुल है कि ये प्लैनेट्स को सिर्फ अपने हाथों से तोड़ सकता है, और सिर्फ यही नहीं बल्कि कॉमिक्स के अंदर ये भी दिखाया गया है कि कॉस्मिक इमोर्टल हल्क गैलेक्टस और फ्रैंकलिन रिचर्ड्स जैसे पावरफुल बीइंग से भी ज्यादा पावरफुल है। नंबर 6, कॉस्मिक स्पाइडरमैन। तो कॉस्मिक स्पाइडरमैन अर्थ 13 से बिलोंग करता है, और इस यूनिवर्स के स्पाइडरमैन के पास कॉस्मिक पावर्स है, इसीलिए इसे कहा जाता है कॉस्मिक स्पाइडरमैन। अल्टरनेट यूनिवर्स का ये स्पाइडरमैन अपने यूनिवर्स के अंदर कैप्टन यूनिवर्स के साथ बॉन्ड हो जाता है, जिसके बाद उसकी पावर्स को हासिल करते ही ये बन जाता है कॉस्मिक स्पाइडरमैन। बात करें कॉस्मिक स्पाइडरमैन की पावर्स की तो इसके पास स्पाइडरमैन की तो सारी पावर्स है, लेकिन जो पावर्स इसे खास बनाती है वो है इसके अंदर के कैप्टन यूनिवर्स की एनिग्मा फोर्स पावर्स, क्योंकि इस पावर की वजह से कॉस्मिक स्पाइडरमैन के पास मैटर मैनिपुलेशन
एक्सप्लोजन, एनर्जी ब्लास्ट, मॉलिकुलर चेंज और फ्लाई करने जैसी कमाल की पावर्स आ जाती है। ये स्पाइडरमैन बहुत दूर तक के डिस्टेंसेस को भी क्लियरली देख सकता है, धीमी आवाजों को भी साफ सुन सकता है और अपने ऊपर होने वाले अटैक्स के बारे में पहले से ही जान सकता है। कॉस्मिक स्पाइडरमैन किसी भी एनर्जी को दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता है, एनर्जी फ्लो के डायरेक्शन को बदल सकता है, मैटर को एटॉमिक लेवल तक चेंज कर सकता है और तो और किसी ऑब्जेक्ट की शेप को भी बदल सकता है। और इसीलिए स्पाइडरमैन के इस वर्जन को स्पाइडरमैन का अब तक का सबसे पावरफुल वर्जन माना गया है। नंबर 5, डेथसीड सेंट्री। तो सेंट्री वैसे ही मार्वल का मोस्ट पावरफुल सुपर हीरो है, लेकिन जब सेंट्री डेथसीड सेंट्री बन जाता है तब तो उसकी पावर्स लिमिटलेस हो जाती है। असल में ये डेथसीड एक ऐसा आर्टिफैक्ट है जिसे मिलियंस ऑफ इयर्स पहले सेलेस्टियल्स ने क्रिएट किया था ताकि इसका यूज करके वो अलग अलग प्लैनेट्स के इवोल्यूशन को फास्ट कर सके। लेकिन आगे चलकर एपोकलिप्स डेविन्स इस डेथसीड का यूज सेंट्री के ऊपर कर देते हैं, जिसके बाद सेंट्री के अंदर बहुत सी कमाल की पावर्स आ जाती है और सेंट्री बन जाता है डेथसीड सेंट्री। एक बार डेथसीड सेंट्री बनने के बाद ही सेंट्री की पावर्स लिमिटलेस लेवल तक इंक्रीज हो जाती है और ये इतना ज्यादा पावरफुल बन जाता है कि जब सेंट्री के इस फॉर्म का मुकाबला थॉर करने आता है तब ये थॉर को भी बहुत बुरी तरह से मारता है और उसे बड़ी जल्दी हरा देता है। यहाँ तक कि सेंट्री के इस फॉर्म के ऊपर थॉर की लाइटनिंग अटैक्स का भी कोई असर नहीं होता। इसके भी ऊपर डेथसीड सेंट्री इतना ज्यादा पावरफुल है कि वो अपने हाथों से सेलेस्टियल्स तक को लिफ्ट कर चुका है और स्पीड के मामले में भी इसकी स्पीड इतनी ज्यादा है कि ये इतनी तेज फ्लाई कर सकता है कि इसे कोई देख तक नहीं सकता है। नंबर 4, गॉड ऑफ लाइट वेनम। तो ये गॉड ऑफ लाइट वेनम वेनम की अब तक की सबसे पावरफुल फॉर्म है, जो कि नजर आई थी साल 2020 में आई किंग इन ब्लैक कॉमिक के अंदर। किंग इन ब्लैक स्टोरी लाइन के अंदर जब नल पूरे यूनिवर्स को कॉन्कर करते हुए अर्थ पर आता है तब वो एडी ब्रॉक को जान से मार देता है, जिसके बाद गॉड ऑफ लाइट नाम की एक पावरफुल एनर्जी एडी ब्रॉक के साथ बॉन्ड हो जाती है और फिर एडी ब्रॉक की बॉडी के अंदर के वेनम सिम्बियोट के पार्टिकल्स गॉड ऑफ लाइट के साथ मिलकर एडी ब्रॉक को जिंदा कर देते हैं और फिर एडी ब्रॉक बनता है गॉड ऑफ लाइट वेनम। ये गॉड ऑफ लाइट वेनम इतना ज्यादा पावरफुल है कि वो हर वो चीज कर सकता है जो वो करना चाहता है। इन पावर्स के साथ वेनम म्यूनिट के लिए भी वर्दी हो जाता है और जब वो नल का सामना करने के लिए उसके आगे आता है तब वो सिम्बियोट्स के गॉड नल को मारने के लिए थॉर के म्यूनिट और सिल्वर सर्फर के सर्फबोर्ड को एक साथ मिला लेता है और उनसे एक अल्टीमेट वेपन को क्रिएट कर देता है और फिर उसका यूज करके वो नल को खत्म कर देता है। नंबर 3, ब्लैक प्रिज डॉक्टर स्ट्रेंज। तो ब्लैक प्रिज डॉक्टर स्ट्रेंज पूरे मल्टीवर्स के अंदर डॉक्टर स्ट्रेंज का सबसे पावरफुल फॉर्म है। दरअसल मार्वल कॉमिक्स के अंदर मल्टीवर्स के कुछ डिफेंडर्स एग्जिस्ट करते हैं जिन्हें कहते हैं ब्लैक प्रिज, और ये सारे ब्लैक प्रिज मल्टीवर्स का बैलेंस बनाए रखने के लिए टाइम टाइम पर अलग अलग यूनिवर्सेस को डिस्ट्रॉय किया करते हैं। और डॉक्टर स्ट्रेंज को जब इनके बारे में पता लगता है तब वो इन सारे ब्लैक प्रिज के साथ मिलकर इनकी आई बन जाते हैं और फिर यूनिवर्सेस को डिस्ट्रॉय करने के लिए वो यूनिवर्सेस को ढूंढने में उनकी हेल्प करते हैं, जिसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज भी ब्लैक प्रिस्ट की पावर्स को गेन कर लेते हैं और फिर ब्लैक प्रिस्ट की पावर्स को हासिल करने के बाद वो बनते हैं ब्लैक प्रिस्ट डॉक्टर स्ट्रेंज। ये डॉक्टर स्ट्रेंज ब्लैक प्रिस्ट की हेल्प भी इसीलिए करते हैं ताकि वो उनसे अपने खुद के यूनिवर्स को बचा सके और अपनी दुनिया को सेफ रख सके। बात करें ब्लैक प्रिस्ट डॉक्टर स्ट्रेंज की पावर्स की तो डॉक्टर स्ट्रेंज का ये वर्जन सिर्फ एक ही वर्ड बोलकर पूरे यूनिवर्स को ही खत्म कर सकता है और इसी वजह से ब्लैक प्रिस्ट डॉक्टर स्ट्रेंज का अब तक का सबसे पावरफुल फॉर्म है। नंबर 2, गॉड किलर आर्मर आयरन मैन। तो गॉड किलर आर्मर आयरन मैन के द्वारा यूज किया गया अब तक का सबसे पावरफुल आर्मर है और इस आर्मर में होते हुए आयरन मैन पूरे यूनिवर्स के लगभग किसी भी बींग को हरा सकता है। गॉड किलर आर्मर का क्रिएशन सेलेस्टियल वॉर के टाइम पर हुआ था और इस आर्मर को एस्पिरेंट्स ने क्रिएट किया था। असल में जब फर्स्ट फर्मामेंट ने सेलेस्टियल्स और एस्पिरेंट्स को क्रिएट किया था तब उन दोनों के क्रिएट होने के बाद उन दोनों की थिंकिंग एक दूसरे से काफी अलग थी, क्योंकि जहां एस्पिरेंट्स फर्स्ट फर्मामेंट की बात मानना चाहते थे वहीं पर सेलेस्टियल्स अपनी मर्जी का काम करना चाहते थे और फिर इसी वजह से उन दोनों के बीच एक वॉर स्टार्ट हो जाती है जिस वॉर को ही सेलेस्टियल वॉर कहा जाता है। और उसी वॉर को जीतने के लिए सभी एस्पिरेंट्स मिलकर गॉड किलर आर्मर को क्रिएट करते हैं जो कि साइज में सेलेस्टियल्स के बराबर होता है और बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल होता है। पर वो सभी एस्पिरेंट्स गॉड किलर आर्मर को यूज करते हैं उससे पहले ही सेलेस्टियल्स उन सभी को खत्म कर देते हैं और सेलेस्टियल वॉर को जीत जाते हैं। पर फिर आगे चलकर वो आर्मर आयरन मैन को मिलता है और फिर उसे पहनने के बाद वो बनता है गॉड किलर आयरन मैन। आयरन मैन आगे चलकर गॉड किलर आर्मर का मार्क 2 वर्जन भी क्रिएट करता है जो आर्मर बहुत हद तक एस्पिरेंट्स द्वारा बनाए गए गॉड किलर आर्मर जैसा ही होता है। हालांकि इसका साइज थोड़ा कम होता है बट आयरन मैन इसके अंदर बहुत से पावरफुल वेपन्स को भी फिट करता है। आयरन मैन अपने इस आर्मर के साथ इतना ज्यादा पावरफुल बन जाता है कि वो सेलेस्टियल्स का भी सामना करके उन्हें हराने का दम रखता है और इन्हीं सब रीजंस की वजह से गॉड किलर आर्मर आयरन मैन का सबसे पावरफुल फॉर्म है। नंबर 1, रियोन किंग थॉर। तो रियोन किंग थॉर थॉर का सबसे पावरफुल वर्जन है और ऐसा इसीलिए क्योंकि थॉर के इस वर्जन के पास रियोन मैजिक का एक्सेस है। मार्वल कॉमिक्स की एक स्टोरी लाइन के अंदर जब एसगार्ड के ऊपर रैग्नारोक आने वाला होता है तब उस रैग्नारोक को रोकने के लिए और अपने सारे लोगों की जान बचाने के लिए थॉर अपने फादर के बताए हुए रास्ते पर चलता है और अपनी दोनों आंखों को सैक्रिफाइस कर देता है और खुद को फांसी लगाकर खुद की जान ले लेता है, जिसके बाद थॉर की सोल अपने फादर ओडिन की सोल से मिलती है और फिर थॉर को मिल जाता है रियोन मैजिक का एक्सेस, जिसके बाद थॉर बनता है रियोन किंग थॉर। रियोन किंग
किंग थॉर एक ओमनीपोटेंट बीइंग है और इसकी पावर लेवल्स लिमिटलेस है। रियोन किंग थॉर की पावर्स की बात की जाए तो इसके पास टेलीकिनेसिस, टेलीपोर्टेशन, रिजरेक्शन और रियलिटी रैपिंग जैसी सारी पावर्स हैं। रियोन किंग थॉर एक ही वक्त पर पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर भी देख सकता है और अगर चाहे तो उन्हें कुछ हद तक चेंज भी कर सकता है। और तो और अगर रियोन किंग थॉर चाहे तो किसी मरे हुए बींग को भी जिंदा कर सकता है। रियोन किंग थॉर सिर्फ अपने सोचने भर से ही किसी भी बींग के एग्जिस्टेंस को खत्म कर सकता है और इसी वजह से रियोन किंग थॉर ने अपने जितने भी विलन्स का सामना किया है उन्हें उसने सिर्फ कुछ सेकंडों में हरा दिया है। इन सब के भी ऊपर रियोन किंग थॉर शैडो गॉड्स को भी हरा चुका है, उन शैडो गॉड्स को जिन्हें एस्गार्डियन गॉड्स का भी गॉड माना जाता है। तो यही मार्वल सुपर हीरोज के 10 सबसे पावरफुल वर्जन के ऊपर एक वीडियो थी। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं और अगर आपका कोई और रिकमेंडेशन हो तो वो भी जरूर बताएं। इसके अलावा अगर आप लोग हमारे चैनल की और भी कई कमाल की वीडियोस को देखना चाहते हैं तो आप हमारे टॉप 10 मोस्ट पॉपुलर सुपर हीरोज, टॉप 10 मोस्ट पावरफुल रेस इन एमसीयू, नेमोर वर्सेस एक्वामैन और सुपीरियर स्पाइडरमैन की कॉमिक जैसे कमाल की वीडियोस को भी देख सकते हैं। इन सारी वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही, इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी के अभी सब्सक्राइब करें। मैं आपसे मिलता हूँ ऐसे किसी और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।